लेट शुरू करते हैं। रिकॉर्डिंग हो रही है तो आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग, है ना। तो देखो इस चैप्टर की जो शुरुआत है वो होनी चाहिए थ्योरी ऑफ एसएचएम से, है ना। तो मैं वैसे तो तुमको मैंने एसएचएम पिछली बार जब बताया था, पढ़ाया था, तो मैंने ये कहा था ऐसा कि एसएचएम में फेजर नाम की एक बहुत जबरदस्त चीज होती है, फेजर। तो फेजर्स का आइडिया आपको होना बहुत जरूरी है, और मेरा ये धर्म बनता है कि मैं थोड़ा सा उस पर बातचीत कर लूं, है ना। जस्ट एक रन थ्रू ले लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑल वेरी वेल नो दैट एसएचएम में क्या होता है, दिस इज द इक्वेशन, है ना। ये अपन यूज करते ही आए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो भी फोर्स लगता है मास इनटू एक्सेलरेशन दैट इज माइनस के एक्स, मतलब द फोर्स एक्सर्टेड ऑन यू प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड दैट टू द फोर्स मस्ट बी रिस्टोरिंग। तो ये एक बात आपको बखूबी है ना बखूबी पता होनी चाहिए कि फोर्स जो है वो रिस्टोरिंग इन नेचर होता है, और माइनस साइन का जो जो वैल्यू है वो रिस्टोरिंग को रिप्रेजेंट करता है। सो यू हैव डी टू एक्स बाई डी टू इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ठीक है। इसका सोल्यूशन अपन बहुत आराम से बहुत कंफर्टेबली एब्जॉर्ब कर चुके हैं लास्ट एंटायर ईयर, दैट एक्स इज ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये अपना एसएचएम का सोल्यूशन होता है, ठीक है। इनफैक्ट इफ आई टेक यू टू द नेक्स्ट पेज, ये लेट मी टेल यू कि ये फाई क्या भला होती है, तुम्हें ध्यान है फाई, फाई इज द इनिशियल फेज, जो एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी होता है, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है कि आपकी मैक्सिमम वैल्यू ए रहेगी ए, और आपके जो जो एक्चुअल वैल्यू है वो प्लस ए और माइनस ए के बीच में डांस करेगी। एंड हाउ विल यू डांस बिटवीन प्लस ए एंड माइनस ए, दैट इज डिसाइडेड बाय द साइनोसोडल फंक्शन। आई थिंक ये प्रीटी क्लियर है अपने को, है ना। अब आप नोटिस करोगे कि जब आप किसी की आरती उतारना चालू करते हो, व्हेन यू हैव अ रिपीटेटिव मोशन, तो आरती जो है वो आमतौर पे अपन रूटीन प्रैक्टिस में कि भाई अभी दिवाली की डेट्स गई है तो आपने करी होगी घर में लक्ष्मी जी की पूजा, है ना। तो यू बेसिकली लिफ्ट अप द आरती एंड यू बेसिकली स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम, और बॉटम से आप स्टार्ट करते हो। लेकिन हम में से कई लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे नहीं मैं तो नहीं करता बॉटम से, बट मैंने ये उठा ली आरती, मैं ये उल्टा घूम गया, यू आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, दैट कैन बी डन। तो when you are supposed to do a repetitive motion, you can start from any position, चाहे वो bottom हो, चाहे वो top हो, चाहे वो side हो, चाहे वो 30, 40, कोई सी भी degrees हो सकती है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, are you, है ना? तो इस बात का जो हिसाब है वो कौन करता है, हमारी हमारा जो ये किस्सा है वो कौन बयान करता है, वो करता है ये phi, phi is the initial phase people, phi is the initial phase, initial phase मतलब जैसे अगर आप a by 2 से शुरू करते हो और positive side जाते हो तो phi क्या होता है, कौन बताएगा? भाई ये तो तुम्हें रटा हुआ ही होता है सर। हाँ कैसे सर, नेटवर्क बैंडविड्थ क्या होता है? वही है, डेस्कटॉप पे ऐप है, पर सो पीपल यार ध्यान दो, आप फोकस करो यार, क्योंकि जिसके थोड़ा भी कट शॉर्ट हो रहा है उसको वैसे भी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। लेट्स ट्राई टू मेक इट अ क्रिस्प वीडियो, अननेसेसरी लंबा नहीं खींचे, लिंगर ऑन नहीं करें। देखो ये वैल्यूज लिखी हुई है, x इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू जीरो पे आपका साइन थीटा जीरो है, है ना। मतलब ये जो पोजीशंस है इसके करस्पॉन्डिंग मैंने फेज बताए लास्ट ईयर भी आपको मैंने पढ़ाया था कि जब आप ओरिजिन पे होते हो और पॉजिटिव साइड जा रहे होते हो उसको अपन कौन से फेज से रिप्रेजेंट करते हैं, जीरो से। जब आप पाई बाय टू पे होते, जब आप ए बाय टू पे होते हो और पॉजिटिव साइड जा रहे होते दैट इज 30 degrees, रूट थ्री ए बाय टू पे होते हो दैट इज एंड पॉजिटिव जा रहे हो 60 degrees, एक्सट्रीम पे होते हो 90 degrees, वापस आओगे 150 degree, फिर उसके बाद में 180 degree पे आप मेन पोजिशन पे आ जाओगे कमिंग बैक। तो आर यू ओके विद दिस डेटा, सबसे पहले मुझे ये कंफर्मेशन चाहिए। हां सर, यस सर, ये क्योंकि अपन ने पढ़ लिया लास्ट ईयर इसलिए इसको मैं थोड़ा सा आगे ले रहा हूँ। हालांकि ये पन्ने और ये भी देखो, ये वही बात बताई हुई है यहाँ पे कि आपका जो फेजर होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फेजर, फेजर इज जस्ट अ वेक्टर, एक वेक्टर होता है जिसकी लंबाई होती है ए और वो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से गोल गोल घूम रहा होता है, ठीक है। तो फेजर की लेंथ तो हमेशा फिक्स ही रहती है, लेकिन जब वो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से गोल गोल घूम रहा होता है तो उसका वाई प्रोजेक्शन चेंज होता रहता है, एंड वाई प्रोजेक्शन उसका साइनोसोडली चेंज होता है। सो व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड एंड टेक केयर एज फार एज द इंफॉर्मेशन इज कंसर्न्ड इज कि अगर आपके पास ए लेंथ का वेक्टर है और वो गोल गोल घूम रहा है साइनोसोडली, है ना, सॉरी गोल गोल घूम रहा है ओमेगा से, तो उसका जो वाई प्रोजेक्शन है वो आपकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। लेकिन आप उसको शुरू कहां से करोगे, फ्रॉम वेयर विल यू स्टार्ट, आप स्टार्ट कहां से लोगे? तो स्टार्ट की लोकेशन अगर आपको चाहिए तो स्टार्ट की लोकेशन फिर आपको चेक करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल टी जीरो पे अगर आप मानते हो कि पार्टिकल ए बाय टू पे था और पॉजिटिव साइड जा रहा था तो फिर आपके फेजर की लोकेशन क्या होनी चाहिए, ये जो ब्लैक कलर का वेक्टर है इसमें आप ये वाला एंगल क्या मार्क कर दो,
30 डिग्री, तो 30 डिग्री से आप कहानी को स्टार्ट करो, है ना, और ओमेगा से घूमने दो, तो आपका एक्सप्रेशन क्या बैठेगा, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस पाई बाय 6। तो आई थिंक ये बातें अपने पिछले साल काफी एफर्ट मार के अपन ने समझी हुई है, इसलिए इसमें कोई बहुत ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। एम आई राइट? यस सर। ओके, फिर मैंने आपको एक चीज और बताई थी, लास्ट ईयर अपन ने चैप्टर वेव्स पढ़ा था, इफ यू रिमेम्बर चैप्टर वेव्स। वेव्स में क्या चीज पढ़ी थी अपन ने, वेव्स में अपन ने देखा था कि जब एक ही जगह पे दो SHMs आ जाते हैं, है ना, दो एक ही जगह पे अगर दो वेव्स आ जाती हैं एक ही जगह पे, तो एक ही पार्टिकल को क्या करने को कहा जाता है, दो SHM एक साथ करने को कहा जाता है। अब साले वो जो दो SHM है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा अजम्पशन क्या था कि उन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम रखनी है, ओमेगा सेम रखनी है, क्यों, क्योंकि कन्वीनियंट टू स्टडी होता है। उसको अपन ने क्या नाम चिपका दिया पिछले साल, कोहेरेंट सोर्सेस, है ना, उसको अपन ने क्या नाम चिपका दिया था, कोहेरेंट सोर्सेस। कोहेरेंट सोर्स क्या हुए थे, दो सोर्सेस जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, अर्थात जिनका ओमेगा सेम है। तो अगर किसी भी दो सोर्सेस से आपके पास वेव्स आ रही है, तो इसका मतलब आपके पास दो ऑसिलेशन आ रहे हैं जो आपको परफॉर्म करने, तो पहला ऑसिलेशन अगर A1 एम्पलीट्यूड का है और दूसरा ऑसिलेशन अगर A2 एम्पलीट्यूड का है और दोनों का ओमेगा सेम है, तो आप एक्चुअली में करोगे क्या, बिकॉज एट अ टाइम तो आप एक ही काम कर सकते हो, है ना। तो ये अपन ने लास्ट ईयर पढ़ाई की थी कि अगर आपके पास एक SHM आ रहा है ये वाला और दूसरा SHM आपके पास ये वाला आ रहा है, और अगर आप ये दो SHM एक साथ परफॉर्म करते हो, तो आई मीन टू से कि आपको ये t इक्वल टू 0 का इसका फेजर है और ये t इक्वल टू 0 का इसका फेजर है, ये दोनों फेजर्स आपको एक साथ परफॉर्म करने को कहे गए हैं। अब मुझे कौन बताएगा कि एक्चुअली में पार्टिकल करेगा क्या, ये अपने लास्ट ईयर पढ़ा था। एक्चुअली में आपका पार्टिकल पता है क्या, इन दोनों को मिला के कोई नया फेजर करेगा, इन दोनों का वेक्टर सम परफॉर्म करता है पार्टिकल। इसका मतलब हम इस बात पे, इस ओरिजिन पे जहां आज खड़े हैं अल्टरनेटिंग करंट के, वहां पे हमारे पास एक बात कहने को है कि अगर मेरे को दो साइनोसोइडल फंक्शन जोड़ने को दोगे जिनका ओमेगा सेम होगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं t इक्वल्स टू 0 पे उन दोनों के फेजर्स प्लॉट करूंगा और उसके बाद उन दोनों फेजरों को क्या मानूंगा, वेक्टर, और उन दोनों वेक्टरों को ऐड कर दूंगा सिंपली, और ऐड करने के बाद जो वेक्टर मेरे पास आएगा उसको देख के मैं जो फाइनली होने वाला है उसकी इक्वेशन लिख दूंगा। आर यू विद मी और नॉट? यस सर। ये बातें अपन लास्ट ईयर की है, ये स्लाइड्स मैंने सिर्फ लास्ट। अब जैसे ये देखो, ये आपके सामने लिखा हुआ है, ये आपका पहला फेजर है, इसका मैग्नीट्यूड 6 है और इसका इनिशियल फेज 0 है। सो आई बिलीव कि हम ये बात बखूबी समझ पा रहे होंगे कि इसका इनिशियल फेज 0 है एंड दिस इज द एक्सप्रेशन, एंड सिमिलरली हियर द इनिशियल फेज इज 120 डिग्रीज एंड दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द सेकंड वाली इक्वेशन। और अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं, तो मैंने जानबूझ के डेटा यहां पे ऐसा लिया है जिसमें 6 और 6 120 डिग्री पे हो गया। आप देखो इन दोनों वेक्टरों को अगर आप सम करते हो, तो जब आप जोड़ोगे तो आंसर किधर आएगा, हम भी जानते हैं कि आंसर साला इधर बीच में आ जाएगा इस तरफ, और उसके आंसर की औकात भी 6 ही होगी, और ये एंगल कितना होएगा 60, और यही नीचे आंसर लिख रहा है। कैन यू अंडरस्टैंड दिस स्लाइड, है ना। तो ये दो फेजर्स जोड़ के बेसिकली दो साइनोसोइडल फंक्शंस जोड़ना आपको सिखा रहा है, दैट हैज टू बी अंडरस्टूड इन अ प्रॉपर वे। ये बहुत जरूरी है, अल्टरनेटिंग करंट पढ़ने से पहले हमारे को ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो किसी को कोई भी इशू है तो अभी बोलो, ताकि मैं उसको पहले रेक्टिफाई करूं, बिकॉज मैं आगे ही नहीं बढ़ सकता, सब्जी ही नहीं बना सकता जब कटे हुए कांदे और कटे हुए टमाटर मेरे पास नहीं होंगे। लॉकडाउन में सीख लिया। आगे बोलो, एनीबडी हैज एनी इशू, सो दैट परिभाषा क्या है? देखो, अल्टरनेटिंग करंट जो है वो कोई पेड़ों पे नहीं लगता है, नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता, इट्स अ मैन मेड थिंग, इंसानों ने बनाया है इसको। क्योंकि उसको इंसानों ने बनाया है, तो इंसानों ने जो डिजाइन करेंगे वही ना होगा। कल से आपसे कोई पूछता है कि जूते की डेफिनेशन क्या है, कोई आपसे हेलमेट लेके आता है कहता ये जूता है क्या, या कोई मटकी लेके आता है ये जूता है क्या। तो जूता इंसानों ने बनाया, पेड़ों पे नहीं लगता है जो आप डेफिनेशन बना सको, समथिंग विच विच विद दैट ओनली विद अ यूनिक पर्टिकुलर डिजाइन, जो अपन जूते पहनते हैं बस वही जूते होते हैं, उसके अलावा और कोई चॉइस नहीं है आपके पास, है ना। तो वैसे ही अल्टरनेटिंग करंट की डेफिनेशन एज सच बनाना बड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि वो एक ही टाइप का होता है। अल्टरनेटिंग करंट इज डिफाइंड एज अ करंट सप्लाई विच पीरियोडिकली चेंजेस द direction of the flow of current. Direction change होनी जरूरी है, the mandatory condition is direction change होनी। जैसे आप
पहला चित्र देखो, क्या इसमें थोड़ी देर करंट पॉजिटिव है फिर नेगेटिव हुआ है, डायरेक्शन चेंज हुई है। यहाँ देखो क्या इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये अंदेशा हो रहा है इसको देखिए आपको। इनको देखो आप लास्ट, ये तो साले वेरिएबल करंट है, इनका डायरेक्शन तो चेंज नहीं हुआ, ये तो पॉजिटिव ही है, नीचे तो गए नहीं चौथे क्वाड्रेंट में। इनको देखो ये सिमेट्रिकली गए, तो इनमें से फर्स्ट सेकंड और फोर्थ दीज आर अल्टरनेटिंग करंट्स, वेयर एज द थर्ड वन इज नॉट अल्टरनेटिंग करंट। हालांकि मैं आपको बताऊं प्रैक्टिकली जो अल्टरनेटिंग करंट होता है ना वो तो यही होता है बस, वो लिंक टूट रहा है ना, क्योंकि ये कौन ऐसी सप्लाई आपके घर में नहीं आती, ऐसी भी नहीं आती। लेकिन जो डेफिनेशन बनाई ना उसमें इन लोगों का भी सर्टिफिकेट लग गया, हम भी हैं, है ना, वी आर ऑल्सो देयर, वी आर ऑल्सो अल्टरनेटिंग करंट, बट हम होते नहीं है, ये बाकी लोग कह रहे हैं हम ऐसे होते नहीं है, एक्चुअली में यही होता है। एंड दैट टू, ये कोई रैंडम पहाड़ खड्डे नहीं है, ये साइनोसोइडल कर्व है। तो बाय द वे जैसे आपकी अल्टरनेटिव फोर्थ वाले ग्राफ में क्या दिक्कत है, किसमें फोर्थ वाले ग्राफ में दिक्कत कोई नहीं है, लेकिन ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता ना नेचर में, कैसे बरको तुम्हारे घर में ये नहीं आता है। एसी के नाम पे ये तो सिंबल होता है, देखो ये देखो एसी के सिंबल में साला साइनोसोइडल कर्व है, आप नोटिस करो, ये जैसे आपकी जो डीसी बैटरी नहीं होती वो ऐसी होती है, बड़ा डंडा छोटा डंडा ऐसा, वैसे एसी करंट होता ही ऐसा है। अब साला सकल ही अल्टरनेटिंग के अंदर जो बना रखी है वो साइनोसोइडल बना रखी है, तो वो यही होता है ये। लेकिन ये भी क्वालिफाई करते हैं, हाँ भैया हम भी अल्टरनेटिंग है, डेफिनेशन थोड़ी ब्रॉड है, लेकिन ये ऐसा आपके घर में आएगा नहीं, ये सिर्फ आपके सवालों में आएगा, क्वेश्चन देंगे ना आपको पेपर में उसमें आ जाएगा, तो अल्टरनेटिंग गिना जाएगा, ये भी अल्टरनेटिंग गिना जाएगा। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड से बात करो, किसी कॉमर्स के छोरे से बात करो, अबे तेरे घर में ये आता है क्या, ये आता है क्या, तो वो कहेंगे ये कौन है, ये एक ही आता है, इट्स यूनिक थिंग, एक ही जैसा होता है, जैसे टूथब्रश है तो उसको ये भी नहीं पता होगा, मैनमेड है, टूथब्रश इज मैनमेड, एक जैसा ही होता है, अब वो कोलगेट हो पेप्सोडेंट हो ओरल बी हो कोई भी हो एक जैसा ही होता है। तो अल्टरनेटिंग करंट यही होता है, लेकिन अपने सवालों में क्वेश्चंस में इस तरह के सप्लाई भी दे, ये नहीं है, ये फर्जी है, ये तो वेरिएबल करंट है। सो व्हाट इज द हाइपोथेटिकली क्रिएट कर ले, हाँ करो ना करो, तुम्हें तो नंबर चेंज चाहिए तो तुम्हें तो सवाल भी करना पड़ेगा। सवाल सर मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता है क्या नेगेटिव में, कुछ भी हो डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए बस। सर ये तीसरा वाला भी तो एसी प्लस नॉर्मल करंट ही तो है। हाँ अब वो तो तुम एक अलग बात, एसी प्लस नॉर्मल है ना, एसी तो नहीं रह गया ना, वो नॉर्मल जोड़ने से अभी एसी कहाँ रह गया, एसी की डेफिनेशन क्या है, एसी प्लस नॉर्मल कैसे है, डायरेक्शन कहाँ चेंज हो रहा है। नहीं नहीं ये बोल रहा है ग्राफ ऊपर सरक गया ना, इसमें कुछ कांस्टेंट जोड़ दो तो ऊपर सरक जाएगा। सर दो सर्किट एक ही बार में चल सकते ना सर, दो सर्किट को कनेक्ट कर देंगे तो क्या कह रहे हो, वो प्योर एसी नहीं आ जाएगा ना। मैं समझा नहीं तुम्हारी बात सर, एक तार में पहले भी तो करंट जो इसके नीचे वाले टिप है वो थोड़े से एक्स एक्सिस के नीचे होते तो वो एसी हो जाता। बिल्कुल मैं क्या बोल रहा हूँ, डेफिनेशन द डेफिनेशन इज वेरी ब्रॉड, द डायरेक्शन ऑफ द करंट मस्ट चेंज अल्टरनेटिवली, इतनी सी परिभाषा है। मैं बोल रहा हूँ यही होता है, अब तुम क्या वो परिभाषा के चक्कर में सारी चीजें पूछ दी, हाँ होते हैं यस बट नोबडी सप्लाईज, ऐसी सप्लाई को देता ही नहीं, बनती नहीं, बन ही नहीं पाएगी ऐसी सप्लाई। भाई व्हाट इज द स्टैंडर्ड तरीका ऑफ जनरेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, स्टैंडर्ड तरीका क्या है, एक कॉइल लेके उसको गोल गोल घुमाना, यही तो तरीका ना, एक कॉइल लेके गोल गोल घुमाना यही तो तरीका है। तो इसका मतलब अगर आप याद करो कि अपने अल्टरनेटिंग करंट, सुनो पहले अल्टरनेटिंग करंट कैसे प्रोड्यूस किया था, व्हाट इज फ्लक्स का डेफिनेशन, वी इनटू एरिया कॉस थीटा, इसको डिफरेंशिएट करो, ये साइन ओमेगा टी, ये थीटा को ओमेगा टी लिख रहा हूं और एक ओमेगा बाहर भी आ गया तो आ गया ना साइनोसोइडल। तो इन जनरल द मोस्ट कंफर्टेबल वे टू प्रोड्यूस अल्टरनेटिंग करंट इज रोटेटिंग अ कॉइल मैनुअली और बाय सम मशीन इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो तरीका प्रोड्यूस एक ही होता है यार, मैंगो की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैंगो, आम की परिभाषा क्या है। सर नेट बिल्कुल भी नहीं चल रहा सर, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी क्या, फिर रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, अरे कर तो रहा हूँ रिकॉर्ड,
मैं खुद ही कर रहा हूँ, तुम में से भी कर रहा है तो कर लो सर, अभी टाइम वेस्ट और हो रहा है। हाँ तो ठीक है, रिकॉर्डिंग देख लेना, सो जा भाई आराम से। कल सुबह तक मिल जाएगी क्या? अरे हाँ, अरे भाई सर इसको अभी दे दो सर, आप पहले दे दो इसको। रिलैक्स, डोंट डू, चिल। अब देखो इधर, इन जनरल जो अल्टरनेटिंग करंट होता है उसके ईएमएफ की शकल ऐसी होती है और करंट की शकल ऐसी होती है, इन जनरल। मतलब आप जनरली देखोगे ना तो ईएमएफ जो अल्टरनेटिंग ईएमएफ होता है उसकी जो फॉर्मेट है वो होगी ऐसी, ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई या डेल्टा, व्हाटएवर इट इज। तो दे माइट बी डिफरेंट इन द टू एक्सप्रेशंस। ये सेम सेम सर्किट की बात कर रहा हूं मैं, इनमें ये अलग हो सकता है कोएफिशिएंट, साइन तो साइन ही रहता है भाई, ये सेम होगा, ये अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो पहले मैं फोकस करता हूं इस वाले एस्पेक्ट में। सो व्हाट यू कैन सी इज ये जो ई नॉट है इसको कहते हैं पीक वैल्यू। तो हिंदुस्तान में आपके घर में देखा जाए तो क्या सप्लाई आती है वोल्टेज की? 220 वोल्ट आती है, तो वो एक्चुअली में एवरेज होती है। एवरेज, अब एवरेज कौन सा लेते हैं उसके बारे में भी बातचीत अपन करेंगे। रूट मीन स्क्वायर वाला। हाँ, रूट मीन स्क्वायर, क्योंकि उसका ही सेंस निकलता है, वो क्यों निकलता है उस पर भी बातचीत करेंगे। बट फिलहाल लेट मी टेल यू दैट हिंदुस्तान में जो पीक वैल्यू आती है, पीक वो होती है 311, और अमेरिका में जो पीक वैल्यू आती है वो इसकी आधी आती है। अमेरिकन बेसिकली जो, जैसे इंडिया में तुम जो ये अभी तुरंत बोले ना 220, किसी अमेरिकन से बात करोगे तो वो क्या बोल देगा? 110 वोल्ट। तो वो हर कंट्री में अलग आता है। अब इंडिया वालों को ज्यादा वोल्टेज देने का क्या चुल्ल मच रहा है भाई? व्हाट इज सो 220 इन इंडिया? सीधा इशू इज हायर द वोल्टेज, लेसर इज द करंट। लेसर करंट मींस जो तारे ट्रांसमिशन, नहीं ट्रांसमिशन नहीं, तारों का वियर एंड टियर कॉस्ट नहीं आता है, है ना? वियर एंड टियर कॉस्ट जो है वो नहीं आता है। वियर एंड टियर कॉस्ट जो मतलब तार घिस गए, मतलब अगर सोचो आप सड़क से गाड़ियां गुजरेंगी तो सड़क खराब होगी नहीं होगी? तो एक सड़क एक वायर तो मेंटेनेंस किस बात की करते हैं फिर? अरे नहीं, मेंटेनेंस तो तब भी करनी पड़ती है। तुमने कभी ऐसा देखा कि तुम्हारे कॉलोनी में जो बिजली की तार है वो रिप्लेस हो रही है? Have you ever seen? नहीं सर। Have you ever नहीं seen? सर, तार रिप्लेस हो रही है? कभी नहीं, ना तुमने 10 साल पहले देखा होगा ना 10 साल नहीं, बाद सर, देखा है, सर, देखा है। वो रिप्लेस करने तब आएंगे जब बरसात में वो तार टूट जाएगी, गिर गई, तभी देखा वो आएंगे टूटते हुए, क्या हो गया क्या हो गया, है ना? सरकार स्टाइल में आएंगे फिर उसको रिप्लेस करेंगे, तुम्हारे पे मेहरबानी कर रहे हैं। सो दैट्स अवर कंट्री, एंड ठीक है, इतना ही अपने अपने कंट्री का बजट है, इतना ही अपनी कंट्री का बजट होता है। अमेरिका में क्या होता है कि वोल्टेज कम भेज के वो करंट ज्यादा रखते हैं, तो उनको वो क्या है, वो मेंटेनेंस की प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसको ऐसे समझाता हूँ कि कोई एक सड़क है उस पर ज्यादा गाड़ियां गुजरेंगी, ज्यादा गाड़ियां अगर गुजरेंगी तो वो सड़क मतलब डिग्रेड भी होती है, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन ज्यादा गुजरेंगे, करंट ज्यादा गुजरेगा, डबल करंट है तो उसकी वियर एंड टियर लॉस होती है। अब आप सोचोगे अमेरिका के पास सर फोकट का पैसा आ रहा है क्या, मतलब डबल करंट भेज के जबरदस्ती में, है ना? तो मुद्दा यह है कि अगर हाई वोल्टेज सप्लाई किया जाता है तो इंसानों को खतरा ज्यादा होता है। हाई वोल्टेज का जो झटका होता है दैट बेसिकली क्रिएट हैजार्ड्स टू द ह्यूमंस। हाई वोल्टेज के झटके से सीधा हार्ट फेल होता है, नर्वस ब्रेकडाउन होता है, लेकिन हाई करंट के झटके से लोकल बर्निंग होती है। तो लोकल बर्निंग तो बर्नोल लगा देना ठीक हो जाए, होने का चांस है, हेड ऑफिस ही खत्म हो गया आपका तो फिर क्या कद्दू ही लाओगे? तो अब मुद्दे की बात यह है, है ना, मुद्दे की बात यह है कि तो अमेरिकन क्या करते हैं, इन सब बातों पर परवाह करते हैं। हालांकि अभी वो कोरोना के काल में नहीं कर पा रहे इतनी परवाह, लेकिन वो करते हैं, ह्यूमन लाइफ उनके लिए वेटेज रखती है सर। कोरोना नहीं, इलेक्शन के काल में आज के अगले साल से मैं स्टेटमेंट नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं अब तक बोलता ना, दे डू केयर ऑफ द ह्यूमन लाइफ, है ना? इंडिया, अब इंडिया में लोग सोचते हैं सर, तो सर इंडिया में क्या जबरदस्ती में लोगों को मारना है क्या यार? यार मकसद वो नहीं मारना है, अपने पास पैसे नहीं है तो अपन ज्यादा करंट रख के कहते हैं वाह ठीक है यार, पैसे तो है ही नहीं और घर में लोगों के पंखे वंखे भी चलवाने हैं तो ठीक है सप्लाई यही भेजो, कोई अगर टपक टपका गया तो ठीक है, अब ठीक है सांत्वना दे देंगे, है ना? जब हार्ट फेल होता है तो बिजली से कैसे करते हैं फिर? क्या शॉक देके, जब हार्ट फेल होता है तो शॉक देके कैसे फिर ठीक करते हैं?
इंसान के शरीर में पेसमेकर होता है वो, जो हल्के हल्के इलेक्ट्रिकल से। देखो यार बिजली का हर वैल्यू इंसान के लिए अलग, मतलब हर वेट, हर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैज अ डिफरेंट वेटेज फॉर ह्यूमन बीइंग्स। पता सर, अगर हल्का सा बिजली का झटका हो जाए ना तो दिमाग भी तेज हो जाता है, मतलब कुछ टाइम के लिए। अच्छा, हिंदुस्तान में जो फ्रीक्वेंसी सप्लाई की जाती है वो 50 टू 60 होती है। यू गाइस कैन सर्टेनली नोटिस द चार्जर्स अवेलेबल विद यू। चार्जर्स पे ऐसा लिखा रहेगा, जैसे मेरे पास अभी एक चार्जर मौजूद है यहाँ पे, आप किसी भी चार्जर को देखो ना, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि थोड़ा टॉपिक से कनेक्शन फील हो, बाकी कुछ नहीं। 200 से 240 वोल्ट और उसके आगे ऐसा सिंबल बना हुआ है अगर आप नोटिस करोगे तो, और उसके आगे लिखा है 50 से 60 Hz एंड 0.6 एम्पियर। अब आप देखो इन सब बातों से इन्फ्लुएंस, ये सिंबल देखो, ये सिंबल, हाँ, तो ये है कि 200 से 240 का मतलब है कि इतना फ्लक्चुएशन तो इंडिया में आता ही है। हो सकता है अपने कुछ स्टूडेंट के घर में, तुम में से किसी घर में कोई स्टेबलाइजर लग रहा हो जिसमें वोल्टेज इनपुट का इनग्रेडियंट लिखा हो, इट इज नेवर 220। कभी आपने देखा हो इनपुट वोल्टेज 220 नहीं होता, उसके आसपास होता है। भारत है यार, कहते 220 है देते, तो कई बार 240 दे देते, कई बार तो 500 दे देते हैं। फिर उस अखबार में खबर आती है कि है ना विद्याधर नगर के, विद्याधर नगर के ज्यादा तो हो ही नहीं सकता था, फूके विद्याधर नगर के फूके, है ना, ये खबर आती है अगले दिन। और बिजली विभाग वाले कहते हैं आई एम सॉरी, ठीक है ना, ये भी ठीक है, नए ले लेना। That's what this is. They don't give you any insurance money also. तो इसीलिए लोग घर में पता है क्या करते हैं, वो लगवाते हैं MCB वगैरह लगवाते हैं ताकि हाई वोल्टेज आ जाए, हाई करंट आ जाए तो वो ट्रिप कर जाए, ट्रिप हो जाती है। देखो आपका अपना चौकीदार है, आपकी अपनी सिक्योरिटी है ना, तो सिक्योरिटी कभी, सिक्योरिटी के लिए कभी चॉइस नहीं होती है ना। एनीवेज, तो अब आगे बढ़े। ओके, अब बात आती है कि यार ससुरा वो 220 क्या था, मैं तो 311 बोल गया। What is that 220? यहां मैंने एक डेरिवेशन दिखाया है, इसमें ये जो E naught sin omega t आपके सामने जो एक्सप्रेशन आपको फ्लोट किया गया, E naught sin omega t है ना, इसकी एवरेज वैल्यू निकालेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपने हमेशा देखा होगा कि ऑलवेज E square by R, पावर वगैरह की बात करें तो ये होता है, या I square into R। तो EMF को देखो, करंट को देखो, तो इनके स्क्वायर ही हमेशा रोल प्ले करेंगे कंजम्पशन में। तो क्यों ना हम इसके स्क्वायर की ही एवरेज वैल्यू निकाले, है ना, ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट, हम इसके स्क्वायर की ही एवरेज वैल्यू निकालेंगे। तो व्हाट वी हैव गिवन अ प्रपोजल इज स्क्वायर इट, मीन इट, देन रूट इट। बोलते सीधा है, करते उल्टा है। आरएमएस रूट मीन स्क्वायर, स्क्वायर इट मीन इट रूट इट। तो मैंने तुम्हारे सामने ये डेरिवेशन कर रखा है, इस एक्सप्रेशन को मैं स्क्वायर करूंगा। तो तुम भी जानते हो वैसे साइन थीटा का पीरियड कितना होता है, 0 से 2 पाई। लेकिन अगर आप एवरेज की बात करो तो 0 से पाई के दौरान भी आप एक एवरेज निकाल लोगे ना, तो फर्क नहीं पड़ने वाला। इनफैक्ट अगर आप इसको स्क्वायर कर देते हो फिर तो मेरी बात बिल्कुल सपट सामने हो गई कि 0 से पाई हो गया इसका पीरियड। लेकिन एक साइन थीटा का अगर आप स्क्वायर करते हो ना साइन थीटा को, तो उसका ग्राफ ऐसा हो जाता है, ऐसा। तो इफ यू नोटिस दैट दिस इज पाई, तो रिपीटेशन पीरियड तो पाई है, लेकिन एवरेज कैलकुलेशन के लिए अगर आप देखोगे तो आप इतने शेडेड पोर्शन की एवरेज वैल्यू निकालोगे ना, तो बगल वाले अनशेडेड की भी वही आएगी यार, समझे बात को भाई। अगर आप बॉटम से टॉप पे जा रहे हो और जो आपका एवरेज वैल्यू वेरिएशन है, तो बॉटम से टॉप पे गए, अभी टॉप से बॉटम वापस आओगे तो भी एवरेज वैल्यू वेरिएशन वही आएगा आपका। तो मैं ये सलाह दे रहा हूं कि क्यों ना अपन 0 से पाई एवरेज निकालने की बजाय 0 से π/2 निकाल लेंगे, तो भी एक ही बात है। तुम अगर जिद करोगे तो पाई भी निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, वो एक ही बात है। अननेसेसरी इंटीग्रेशन को बड़ा क्यों करना है यार, लिमिट्स हमेशा औकात में रहे तो अच्छी लगती है। सो व्हाट वी हैव, वी आर गोइंग टू डू हियर इज वी हैव, सी यू व्हाट यू कैन डू इज वी हैव स्क्वायर्ड द फंक्शन। ये देखो E naught स्क्वायर साइन स्क्वायर कर दिया मैंने, तो वी हैव स्क्वायर्ड द फंक्शन। फंक्शन को स्क्वायर करने के बाद
हमने उसको उस ग्राफ, मतलब बेसिकली आपको किसी भी ग्राफ का एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हो आप, ये एरिया निकालें और उसके बाद बेस से डिवाइड कर दें, एरिया निकाल के बेस से डिवाइड कर दो तो एवरेज हाइट आ जाएगी. कैन यू फील दिस दिस स्टेटमेंट, मैथमेटिकल बात है. अगर मैंने इसको स्क्वायर कर दिया फंक्शन को, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी ग्राफ ऐसी हो जाएगी, है ना. साइनोसोइडल ग्राफ ऐसा होता है, थोड़ा बहुत तुम्हें वेव ऑप्टिक्स में पता होगा यार, ऐसा होता है ऐसा. हाँ, है ना. तो मैं कह रहा हूं किसी भी ग्राफ की एवरेज वैल्यू निकालने का बेस्ट तरीका है कि ग्राफ का एरिया निकालें और बेस से डिवाइड कर दें उसको, एरिया बाय बेस. सो सी आई हैव स्क्वायर्ड द फंक्शन, उसके बाद डीटी मार के इंटीग्रेट किया है, तो ये काड़ू एरिया आ गया, ये वाला एरिया. उसके बाद बेस से डिवाइड करूंगा मैं, और बेस कितना है, पाई बाय टू ओमेगा, तो बेस से इसको मैं डिवाइड कर दूंगा. तो ये मैंने क्या किया, स्क्वायर किया, फिर ये एरिया निकाल के बेस से डिवाइड किया, तो इट का मतलब मैंने मीन कर दिया, और उसके बाद मैं वापस क्या करूंगा, रूट. सो एज आई ऑलवेज से इन द क्लास, स्क्वायर इट, मीन इट, रूट इट, एंड दैट्स इट. ये आपको करना है. तो आई डोंट नो वेदर इंटीग्रेशन में अपन अभी कितने प्रो हुए हैं, बट इस इंटीग्रेशन को इवैल्यूएट करना तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है. ये तुम्हारे बोर्ड में डेरिवेशन के तौर पे भी आ सकता है ना, बोर्ड एग्जाम में ये अपने डेरिवेशन के तौर पे भी आ सकता है ना. तो कैन यू सी दैट द इंटीग्रेशन हैज बीन परफॉर्म्ड. इसको ये तुम्हारे तुम्हारे बूते पे छोड़ दूं उसको मैं? हां सर. यस सर. है ना, ये देखो 2 sin स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट किया मैंने, फार्मूला लिखा, फिर मैं 1 1 करके, इसका तो 0 हो जाएगा साले का. sin 2 ओमेगा t इसको डालोगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट खत्म हो जाएगा, ठीक है. एंड यू आर गोइंग टू गेट ई नॉट बाय रूट टू. अब आप देखो कि जो मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था ना, कि अगर आप इसको कैलकुलेट करो 311 डिवाइडेड बाय रूट टू, तो ये 220 आता है. इनफैक्ट ये 311 नहीं है, ये 220 रूट टू है. लेट मी टेक इट द अदर वे अराउंड. इनफैक्ट ये 311 नहीं है, ये 220 रूट टू है. ओके तो एक तो ये मैंने पेज तुम्हें भेजा है, तो इसको ढंग से जब कॉपी करो तो इस इंटीग्रेशन को करना जरूर, सो दैट यू गेट अ फील ऑफ इट. ओके, अब आ गए अपन मुद्दे पे. आज का अपना मेजर टास्क है चार सर्किट्स को समझना. मैं चाहूं तो सीधा चौथा सर्किट समझा दूं, एल सी आर एक साथ, बट पहले मैं एल आर पढ़ाऊंगा, फिर मैं एक और पढ़ाऊंगा, फिर मैं एल सी आर पे जाऊंगा. सो दैट यू, मतलब मैं बेसिकली एक ही चीज को दो बार बोलूंगा आपके सामने, सो दैट यू गेट द बेस्ट फील ऑफ एल सी आर. समझ गए, बहुत बड़ा काम नहीं है अपने पास, हमें फेजर आने चाहिए और मैं जो बोलूंगा उसको आपको सुनना है. दैट इज द पर्पस.